कलाम पेश करने लगा हूँ, बिल्कुल नया कलाम है, शायद आप लोगों ने ये पहली मरतबा सुनी है मतलब में, तो मुझे के साथ समाप्त की जाए। बहुत प्यारे कर सकते हो पर एक बहुत प्यारे लोगों के साथ मिसाल पेश करने लगा हूँ आखिरी कलाम। लेकिन ये आखिरी कलाम है, इसमें आपने अपना सो कुछ पढ़ाना है, काम नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो आपने बातें सुनी हैं वो एक खुदा की कसम वो हीरे और मोतियों से कोई कम नहीं होगी वो बातें, अगर आप तवज्जो के साथ बैठेंगे तो, बैठेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए एक बहुत प्यारी गौरी की जगह शायद पेश करने लगा हूँ। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अपने घर तशरीफ लाती हैं, तो मक्के की जो दाइयाँ होती हैं वो जाती हैं हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास, और मेरे आका का जलवा मुबारक देखती हुए एक अर्ज करती हैं। क्या अर्ज करती हैं? हर दाई एक अर्ज करती है, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। शायर ने लिखा, उसके बाद से सुनिए और आगे जवाब भी सुनिए, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। शायद लिखा, साफ गैरा की में बकरियां दा वाड़ा हली मामे नूनाल रख ले, साफ गैरा की में बकरियां दा वाड़ा हली मामे नूनाल रख ले, नाल रख ले हली मामे नूनाल रख ले, तेरियां बकरियां नो हां तेरियां
करते हुए सबको एक पैगाम देता है। शायर ने लिखा कि हाफिज यूनुस बड़ा शान हलीमा दा, जो जो इस बात को मानते हैं वो कहे सुभान अल्लाह।